नेक्स्ट है आज का एक्टिंग सेगमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है चारों टीम्स के लिए जीतना है पूरे 3 पॉइंट्स। चलो भाई सबसे पहले एक्टिंग करने के लिए यहाँ आएंगे इंस्टाग्रामर्स, दूसरे नंबर पे होंगे टिकटॉकर्स, तीसरे नंबर पे होंगे यूट्यूबर्स और आखिर में आएंगे चैंपियंस। चलो भाई इंस्टाग्रामर्स, तुम्हारी किस्मत में कौन सी सिचुएशन निकलती है मैं बताता हूँ। दूल्हा बारात लेकर रात के 3 बजे आया है, दुल्हन का बाप आग भगोला हो गया गुस्से में, अब क्यों आए हो तुम, खाना ठंडा हो गया, मेहमान भूखे चले गए, ससुर जी बारात टांगे पे लाया हूँ, घोड़ा चल ही नहीं रहा था, इनको खाना खिला रहा था घोड़े को, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, लड़की ने बोल दिया जाओ किसी और से शादी कर लो, लड़का मनाने की कोशिश करेगा। बारात थी, रात के 3 बजे पहुंचा है क्योंकि वो टांगे पर आ रहा था, घोड़ा जो था उसने आगे चलने से इनकार कर दिया था, उसको भूख लग रही थी, उसको खाना खिलाने में इतना टाइम हो गया कि जो बाराती थे वो बिना खाए चले गए हैं, बाप आग बगोला हुआ हुआ है, इतनी देर में लड़की आखिर में आके बोलेगी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम टाइम पर क्यों नहीं पहुंचे, आखिर में लड़ाई हो जाएगी, वो मनाने की कोशिश करेगा, लड़की नहीं मानेगी। आओ जल्दी से माइक माइक माइक, एक मिनट है पूरा तुम लोगों के पास। अच्छा जी दूल्हा कौन है, आप हैं, आप बाप हैं इनके, आ जाए मेरा अंकल आप यहाँ आ जाइए प्लीज। चलो भाई माइक माइक दो जल्दी से यार, तुम रह सकती हो या तुम चाहो तो 30 सेकंड्स के बाद आ जाओ। बाप आग बगोला हुआ हुआ है, जैसी तुम आए हो घोड़े पर लेट, टांगे पर आए हो लेट, हाँ लेट आए हो ना, डायरेक्ट आए हो, आप कहाँ खड़े, एक तरफ जाओ ना, एक तरफ एक प्लेयर, चलो रेडी गो। शुक्र पहुंच गया, टाइम आने का। सलाम अलैकुम सर, ये टाइम देख रहे हो तुम, ये घोड़ा नहीं चले गए, ये घोड़ा नहीं चल रहा था कसम से, मैंने कुछ भी लेट नहीं किया, 3 बजे आया हो तुम, मेहमान भूखे चले गए, अब मैं क्या करूंगा, मेहमान खिलाऊंगा, मेहमान गए, हाँ मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई, ये घोड़ा ने किया है, इस घोड़े ने किया है, मेरी बेटी का रो रो के बुरा हाल हो गया, तो मैं शादी किससे करूंगा, मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, नहीं मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं तुमसे शादी, बारात वापस लाओ प्लीज, मैंने इससे शादी की, बारात तुम लेकर आए वापस कैसे लाए, तो पहले 3 बजे आए हो, अरे आप गुस्सा तो नहीं करो, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, तुम शुरू से तुम्हें पर पॉज करने में इतना टाइम लगा, फिर शादी का सूट लेने में इतना टाइम, मैं इससे शादी करूंगा, सही कह रही है मेरी बेटी, ऐसा ये सब तेरी वजह से हुआ है, मैं इसको खाना खिला रहा था, शादी भी खाना नहीं खा रहा था, चल नहीं रहा था, ढीट नहीं चल रहा था, ये जैसे तुम वैसा ही, ये लेट लतीफ, जाओ यहां से, वापस जाओ, वापस वापस, मैं इसको लिए बगल, आप चले आप इससे बात ही क्यों करें, जाओ यहां से जैदी, चलो मेरे साथ चल, यार आप तो बीच में आ जा रहे हो, शादी नहीं हो सकती, ये कौन सा बाप था भाई, आवाज भी चली गई नहीं जबरदस्त जबरदस्त बहुत आला, कौन है नेक्स्ट फोड़ते आप यूट्यूबर जैसे, चलो तो हम बोले ना फिर, एक अनार 100 बीमार, आज बॉस की तरफ से ट्रीट है मगर कार एक है, इसमें सिर्फ एक ही की जगह है, पहले तो तीनों खुश, आज तो 5 उंगलियां घी में होंगी, फिर लड़ाई शुरू होगी कार में, तुम नहीं मैं जाऊंगा, नहीं मैं ज़्यादा काम करता हूँ, नहीं मैं जाऊंगा, नहीं मैं जल्दी आता हूँ देर से जाता हूँ, अच्छा सिंपल सिचुएशन है, आज बॉस ने तुम लोगों को ट्रीट दिए बुलाया है, सही है, कार छोटी है उसमें जगह जो है सिर्फ 2 लोगों की है, तीसरा जब भी आ रहा है ना दूसरा बंदा बाहर गिर जाता है, तो वो फिर बैठता है, तीसरा बंदा यहाँ से बाहर गिर जाता है, तो एक्चुअली होगा ये कि अब फाइट इस बात पे हुई है कि मैं गाड़ी में बैठूंगा, तीसरा बंदा कह रहा है मैं बैठूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मैं जाऊँगा पहले बॉस के पास, ट्रीट उन्होंने मेरी वजह से दी है, इस बात पे झगड़ा हो रहा है, गाड़ी है, फनी जो सिचुएशन है ना वो गाड़ी के अंदर है, आओ जल्दी से, चलो जल्दी से, ये 3 लोग हैं, गाड़ी बहुत छोटी समझो, गाड़ी खड़ी हुई है, मिस्टर बीन की गाड़ी है, यहाँ में बैठना है, ये गाड़ी खड़ी है, तुम लोग तीनों आए हो खुशी खुशी आए हो कि बॉस ने ट्रीट दी है, लेकिन जैसी गाड़ी में बैठोगे तो 3 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, रेडी गो, यस यस करेंगे पार्टी में, दादा खुश मत हो, पहली बार खाता है क्या, जल्दी जल्दी साफ गाड़ी, तू पीछे रह, गाड़ी तो बहुत गाड़ी बहुत लग रही है, पीछे आइयो, चलो हम दोनों बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ, बैठ बैठ गाड़ी में, निकल गाड़ी से, तू बैठेगा, तू गाड़ी में बैठेगा, ऐसा लगेगा गाड़ी को दीमक लग गई है, ठीक है पीछे निकल जाए यहाँ से, तू सुन, लेकिन तू उसके साथ बैठेगा तो मेरे दिल का क्या होगा, चल हटिया, यहाँ पर जोड़ियाँ चल रही है, अबे बैठ के देख, तू एडजस्ट हो जाएंगी, तू बैठ के दिखा, बैठ अंदर अंदर आ, बाहर निकल, 97 की आखिरी बला, बाहर निकल जा, तेरे को देख के तू गाड़ी में बैठेगा, मुझे 3 दफा इधर कुर्सियां पढ़नी पड़ेंगी, निकल जा, एडजस्ट होके तो दिखा यार, देख एडजस्ट होके दिखाओ, एडजस्ट होके दिखाओ यार, धक्का नहीं दे, धक्का नहीं दे, मैं पहुंच गए क्या, हैं
पहुंचे नहीं है अभी, गाड़ी के अंदर ही बैठ रहे हैं। अबे तो इधर आ बड़े बालों वाली मखलूक, अपना तो बेड़िया वाले बहुत निकल जाएगा। मैं पहले बैठूंगी। आप एक काम करें, आप ही चले जाए। अच्छा एक काम करें, आप तो देखिए टाइम 97 की आखिरी बला, किंग ऑफ फाइटर्स की आखिरी बला 97 की आखिरी बला। अच्छा जी बारी है चैंपियंस की, यूट्यूबर्स की। चलो भैया तेज धूप में लंबी कतार है, एक लंबी क्यू बनी हुई है। दो लड़कों को अपने घर के मुख्तलिफ बिल्स जमा कराने, दो लड़कों को बिल्स जमा कराने। एक लड़का शरारती, दूसरा बहुत गुस्से वाला है। दोनों एक दूसरे के पीछे खड़े हैं। शरारती लड़का कभी सेल्फी, कभी तेज आवाज में गाना, कभी धक्का देना, कभी आवाज लगाना, जल्दी आगे बढ़ यार, लड़कियों को देखकर आवाजें लगा रहा। गुस्से वाला लड़का और शरारती लड़के में लड़ाई हो जाएगी आखिर में। अच्छा जो गुस्से वाला लड़का है ना वो बहुत सीधा होगा, सही है, बिल्कुल भी इन चक्करों में नहीं होगा। जो जो शरारती लड़का कर रहा होगा ना आखिर में झगड़ा भी इसी बात पे होगा। आओ जल्दी से, एक लंबी लाइन है, धूप हो रही है, बिल जमा कराने के लिए आए हुए। चलो भाई ये लंबी लाइन है बहुत और धूप हो रही है, रेडी गो। बिजली का बिल भरना है, तमीज से बैठ जा चूजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई जल्दी करो। ओ मेरे ओए अहमद भाई, हां बुला रहे हो। अबे वो जा दफा हो जाए तुम, चलो दफा हो। काली जुल्फ आह हो हो चचा, पीछे हटना, तेरे को नजर नहीं आ रहा लाइन में लगा हूं। आगे तो मैडम इतना टाइम लगा रहा है, तू मेरा मकसमारी कर रहा है, हट पीछे। तेरे को समझ नहीं आ रही, तेरे को समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रही ना तेरे को, नाक बंद है। आगे आना चाहते ना, ये ले आ आगे, ये ले कर ले जो करना है तुझे। इसका बिल भरो पहले भाई, इसका बिल, हट पीछे। मैडम ये तो मैं बात सुनो, ऐसी मखलूक है मेरे को। ओए ओए ये तो बच्चों बूढ़ों औरतों पर हाथ नहीं डालना, तेरा बेड़ा गर्क कर देता मैं। कर मेरा बेड़ा गर्क, कर मेरा बेड़ा गर्क, ये ले कछुआ लगा तू, हट चल यहां से। तू करता क्या मेरे साथ यहां? अबे कितना मार तू रहा है, क्या पागल हो गया? तू कर ले, तू भर ले पहले बिल, भर गर्दन में, भरना अब। टाइम आउट, टाइम आउट, टाइम आउट गाइस। कितना मारा यार, कितना मारता यार ये सर, अपनी वाला गुस्से वाला। हां आओ भाई नेक्स्ट है, कौन रह गए? तुम लोग रह गए। चलो भाई दो गुंडे लड़के मैदान में क्रिकेट खेलने पहुंच गए हैं। मेरी टीम यहाँ खेलेगी, ये पिच मेरे बाप ने बनाई है, ये मैदान मेरे दादा का है, तू है कौन? चला जा यहाँ से वरना इसी मैदान में दफन कर दूंगा। दो बदमाश हैं और वो क्रिकेट ग्राउंड में आए हैं खेलने के लिए, दोनों का आपस में फड्डा है। चलो भैया चलो भाई, पिच है और ग्राउंड है, दो बदमाश, माइक दो, माइक दो जल्दी से, रेडी गाइस। कहाँ गया दूसरा बदमाश? वो छोटा बदमाश कहाँ गया? बैट लेकर आ रहा है। चलो ठीक है बेहतरीन, रेडी। आज तो भाई मेरी टीम आई है, कोई खेल के बताएगा। ए लड़के लोग आ जाओ, चले ओए बात करेंगे। अपनी मैच होगी, अबे अपनी गांव में मैच होगी, मेरी टीम आई है, टीम खेल रही है हमारी। हटिया बेटा बीच में से, चल चल दूंगा एक मुन्ना, हटे कोई मुन्ना। हां पहले तुम्हें दादा ना, तब से मेरा बाप यहां पे खेल रहा है। वो भाई मेरे दादा उनको गिफ्ट करके कहते हट चल, एक हाथ की पड़ेगी ना, क्यों मारेगा, क्यों मारेगा जाएगा। अबे मैं पिच पे ही खेलूंगा और आज लेट लेट के खेलूंगा, मेरी अम्मी ने बोला सो सो के मारना छक्के। मैं बता रहा हूं इधर ही दफन करूंगा तुझे। क्यों दफन करेगा टीम को? अबे जा खेलूंगा। नाम तूने सुना है किसका? तूने सुना है दादा? नहीं नहीं सुना किसी का, चल हट जा खेलने यार, हट जा बीच में से, हटना यार। मैं बता रहा हूं यहीं पे खून हो जाएगा तेरा। एक सेकंड नाक पर रख के ना, घुमा दूंगा, फूस हो जाएगा तू। हेलो मैं कैसी है तू? मैं ठीक हूं। अपनी टीम देख कैसा देखता है, मैं कैसा खेलता हूं। यार रुक जा, अबे क्या रुक जा, अपनी बंदी है क्या, बात कर रहा है? नहीं तुम्हारी वो तो खुली हुई है। हट जा, आप कौन है? मरेगा तू, मरेगा, ऐसे मारेगा, बोल रहा हूं। अबे रुक जा एक सेकंड, अबू बिंग, अबू बिंग, हाउ यूज इट टाइम हो। आजा बेटे, चलो भाई पहले आप लोग बताइए सबसे बेहतर परफॉर्मेंस सिचुएशन के हिसाब से किस टीम की थी, बताइए। आज हमारे इंस्टाग्रामर्स की परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से बहुत अच्छी थी जी, और हमारे टिकटॉकर्स ने भी अच्छी कोशिश की है, लेकिन इसमें एक मेरे ख्याल से जो आपने इनको लाइन बताई थी कि ये इन्होंने इस बात पर लड़ना था कि भाई मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मैं ऑफिस में मैं यूँ करता हूँ, मैं बॉस ने मेरे लिए
बोला होगा या ये शायद ये पॉइंट शायद ये लोग मिस कर गए, इन्होंने एक बार भी नहीं इस बारे में बताया। बाकी सबसे शुरू में इन्होंने बोला था कि आज बॉस ने ट्रीट दिए, इन्होंने स्टार्ट बॉस ने ट्रीट दिए है, लेकिन यानी कि एक था ना कि मैं ज्यादा काम करता हूँ या मैं बैठूंगा या इसने आखिर में बोला था, रबीका ने आखिर में बोला था, सुना था मैंने, मैं इसका वेट कर रहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसने आखिर में बोल दिया था कि मैं जाती हूँ, मैं सबसे ज्यादा काम करती हूँ, बिल्कुल एंड में बोला था। फिर उस हिसाब से मेरे ख्याल से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इन्हीं लोगों की थी। बाकी यूट्यूबर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन टिकटॉकर्स ने भी अपनी सिचुएशन को पूरा हैंडल किया था शुरू में, और वो जंगी बहुत अच्छे बाप बने हैं, बहुत अच्छी बेहतरीन बिल्कुल बना के अच्छा किया था। मेरे हिसाब से भी सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जो थी वो दो टीम्स की थी, एक इंस्टाग्रामर्स की, मैं जंगी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वाकई ये बहुत अच्छा बाप बना था, इसने वोकल भी चेंज किया था और बहुत ही अच्छी तरह सिचुएशन को इन लोगों ने हैंडल किया था। सेम गोज़ टू टिकटॉकर्स, इन्होंने भी क्योंकि इमरान और हुसैन का जो कॉम्बो है ना, ये लीथल कॉम्बो है, जब भी एक्टिंग में आते हैं हमेशा आगे कोई एक ऐसी चीज़ करते हैं जो बाकी लड़के लड़कियाँ नहीं कर रहे होते। इस तरह तुम दोनों के साथ तीन तीन पॉइंट्स जाएंगे। सबसे मज़े की सिचुएशन थी तुम लोगों की, मुझे लगा था लारेब कुछ एक्स्ट्रा करेगा, तुम काफ़ी दफ़ा बीच में खामोश भी हुए, और वो लड़का इतना शरारती था, शरारत से ज़्यादा ना मुझे उसका गुस्सा नज़र आ रहा था जो तुम्हें मारे जा रहा था, जो शरारत थी बताना, लड़की कोई दिख गई तुमने वो भी नहीं किया, बीच में मैंने कहा था कि लड़की को देख कर इसने कोई बात की है, इसने याद दिलाया तुम्हें कि यार अब आप जॉब से बात करनी है तुम कर लो, शायद ने किया था वो कवर कर लिया था, वो मैं समझ गया था उसने कवर कर लिया है, लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस आज उस हिसाब से नहीं थी। अच्छा यहाँ पर चैंपियंस की तरफ से, अच्छा चैंपियंस देखो जब भी कोई सिचुएशन दी जाती है ना, भले वो फनी हो, हंसना तुम्हें नहीं है, आमिर तुम जो थे ना दरमियान में आके हंस रहे थे उमेर की परफॉर्मेंस के ऊपर, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर तुम किसी भी सिचुएशन को फुलफिल करने के लिए आए हो तुम्हें हंसना नहीं है, अगर कॉमेडी भी कर रहे हो तुम्हें नहीं हंसना, ये तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन तुम एक जगह दो जगह हंस गए, और इसलिए मैं इसमें तुम्हें बिल्कुल भी नंबर नहीं दूंगा। तीन जाएंगे टिकटॉकर्स के साथ, तीन नंबर जाएंगे टीम इंस्टाग्रामर्स के साथ, यूट्यूबर्स के साथ, और चैंपियंस के साथ कुछ नहीं जाएगा, हो जाएगा। इस तरह तीन पॉइंट्स जीते टिकटॉकर्स ने, तीन पॉइंट्स ही जीते हैं इंस्टाग्रामर्स ने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।